जी पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह हर हाल में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और दुआ भी करेंगे कि पाकिस्तान एशिया कप जीत के लाए। एशिया कप में आप किस में जो मेन प्लेयर है पाकिस्तान का कौन सा लगता है कि वो ज़रा ज़्यादा एशिया कप में करेगा? जी जैसा कि बाबर आजम रिजवान है, शहनशाह फरीदी इंजर्ड हो गए, उसकी जगह नसीम शाह आ गए, तो शहनशाह फरीदी की कमी तो महसूस होगी पाकिस्तानी टीम को, लेकिन इंशाल्लाह वो बाबर आजम पूरी करेंगे। फेवरेट प्लेयर कौन सा पाकिस्तान की टीम? पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम। जी सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने इतनी ज़्यादा इज्जत से नवाजा है। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे कोच राणा सजाद साहब, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मेरे पे मेहनत की, मेरे कोच साहब ने मेरे पे दिन रात मेहनत की, तो अल्लाह पाक ने इस मुकाम तक मुझे पहुँचाया। कॉमनवेल्थ गेम जैसा कि बर्मिंगम में हुई, वहाँ पर 200 मीटर में मैं फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, मेडल नहीं ला सका लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह उसके बाद जैसा कि सलामी गेम हुई तुर्की में, तो वहाँ पे भी 100-200 मीटर में पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कोच साहब नहीं थे साहब, कोच साहब को बहुत ज़्यादा मिस किया, तो अगर कोच साहब होते तो मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था। तो बस मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी ज़्यादा इज्जत दी, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसी मेहनत जारी रखूँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। जी अभी साउथ एशियन गेम्स हो रही हैं और उसके बाद एशियन गेम्स है, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस है पेरिस ओलंपिक्स में, तो इंशाल्लाह उसके लिए मैंने क्वालिफाई करना है, यही अब उसको सामने रखा, तो इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। कॉमनवेल्थ में जब आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो फीलिंग्स बताइएगा थोड़ी हमारे शेयर करना अपने नेशनल के साथ, उस वक्त जो फीलिंग्स होती है वो अपनी आवाम को बताइए। जी फीलिंग एक पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 72 कंट्रीज में क्वालिफाई करके लास्ट एट स्प्रिंट जी अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री चेंज की है, तो खुशी तो होती है लेकिन मेडल नहीं ला सका। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रेनिंग ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह मेडल